As-salamu alaikum, this is Zahra Batool from KIPS preparations. I would like to welcome to all the students and to all the parents who are with us today in this live webinar. The name of our today's session is earlier prep and -CAT webinar for medical students. Dear students here, first of all, I would like to appreciate you all to have another chance. बिकॉज इट टेक करेज टू हैव अनदर ट्राई और यहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको आप पर उम्मीद है दैट यू कैन डू इट और उनकी ये उम्मीद आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए और इस दफा की ये ट्राई आपको आपके प्रॉस्पेरस फ्यूचर तक लीड करेगी इन सो so, आज के हमारे इस वेबिनार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सही इन्फॉमेसन सही वक्त पर प्रोवाइड की जाए डियर स्टूडेंट्स बिलीव मी मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर हमें यह इंफॉमेसन सही वक्त पर मिली होती तो आज हम किसी और बेहतर जगह पर होते आज हम किसी और बेहतर करियर में होते तो किप्स का हमेशा से ये खासा रहा है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सही इंफॉमेशन सही वक्त पर लेकर आता है सो दैट कि वो अपने प्रॉस्पेरस फ्यूचर अपने ड्रीम अपने गोल को अचीव कर सकें सो so आज जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले नंबर पर है पास्ट एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे करंट ऑप्शंस सॉल्यूशन बाय किप्स किप्स एकेडमिक मॉडल एंड वैल्यू एडिशन तो एक काम जो करना बहुत ज़रूरी है वो है पास्ट एनालिसिस। तो अगर हम बात करें पास्ट एनालिसिस की तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें पहली चीज़ है लक और दूसरी है सेल्फ एनालिसिस। जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें लक पर डाल दी जाती हैं कि लक नहीं थी इसीलिए नहीं हुआ और एक तरह से देखा जाए तो लक का रोल भी है और वो ऐसे कि इस दफ़ा हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट सेंटर में पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो कोविड से सफ़र कर रहे थे तो उनको टेस्ट को अटैम्प्ट का मौका ही नहीं मिल सका और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस बात से ला इलम थे कि इस दफ़ा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उनको डेट्स सेलेक्ट करनी थी अपने टेस्ट के लिए और जब तक उनके इलम में ये बात आई तो तमाम के तमाम लेट डेट्स का स्लॉट ख़त्म हो चुका था दूसरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनको सेलेक्ट कर चुके थे तो इसकी वजह से उन्हें अर्ली डेट्स को सिलेक्ट करना पड़ा जिसकी वजह से उनको प्रिपरेशन के लिए कम ड्यूरेशन मिला रिलेटिव टू द अदर स्टूडेंट्स और दूसरा है हमारा सेल्फ एनालिसिस, यानी आर एटीट्यूड टूवर्ड्स आर स्टडीज इसको मैं इस तरह से बयान करूंगी कि डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हमारा स्पार्क हमारे अंदर ये स्पार्क मौजूद है डॉक्टर बनने के लिए हमारा एक ड्रीम है हमारा एक गोल है डॉक्टर बनना तो क्या हमने उसको सही तरह से वक्त दिया उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या हमने अपने कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से याद किया हमारी कंटेंट पे पूरी ग्रिप थी क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे क्या किप्स में बताए जाने वाले एम को सॉल्व करने के तरीके टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या हमने उनको फॉलो किया क्या जो हमें शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका बताया गया था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया तो डियर स्टूडेंट्स ये तमाम चीज़ें हमें एनालिसिस करने में हेल्प आउट करती हैं कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट ऐसा था जिसमें लैक रह गया जिसमें एक गैप रह गया और जिसकी वजह से हमें सफ़ा क्वालीफाई नहीं कर सके सो so, ये सब एनालिसिस हमें हेल्प आउट करेगा इस दफ़ा की प्रिपरेशन में नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं करंट ऑप्शंस। सेल्फ एनालिसिस के बाद जब हमें ये एनालाइज हो गया कि कौन कौन से हमारे वीक एरियाज़ थे कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट्स थे उसके बाद अब हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं नंबर वन तो ये कि हम अपने ड्रीम से अप कर दें हम अपने गोल से गिव अप कर दें और अदर ऑप्शंस को देखना शुरू करें कि हम किसी और डिग्री किसी और प्रोग्राम की तरफ सोचना शुरू कर दें कि उसमें एडमिशन ले लेंगे जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक और दफ़ा कोशिश करें हम एन अदर ट्राई के तरफ जाएँ और जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे ड्रीम तक पहुँचने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एक दफ़ा सियालकोट में मैं एक लड़की से मिली जिसने मुझे ये बताया कि उसका फोर्थ अटैम्प्ट में जाकर एम बी बी एस में एडमिशन हुआ तो इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पहली दफ़ा के अटैम्प्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर सकी लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि उसने अपने उस ड्रीम से गिव अप कर दिया क्योंकि उसमें वो स्पार्क मौजूद था क्योंकि वो उसका गोल था तो उसके लिए उसने दोबारा कोशिश की उसने सेकंड ट्राई लिया लेकिन सेकंड ट्राई के बाद भी वो क्वालिफ़ाई नहीं कर सकी फिर थर्ड अटैम्प्ट किया थर्ड अटैम्प्ट में भी उसे क्वालिफ़ाई नहीं हुआ लेकिन उस बच्ची ने फिर भी गिव अप नहीं किया फिर उसके बाद जब उसने फोर्थ अटैम्प्ट ली फोर्थ अटैम्प्ट में जाके उसका टेस्ट क्वालीफाई हुआ और उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में नाम आया और फोर्थ अटैम्प्ट उसका एम में एडमिशन हुआ और अब वो एम कर रही है डॉक्टर बन रही है सो so, इस तरह से उसने अपनी कंटीन्यूस एफर्ट के बाद अपने ड्रीम को हासिल किया सो so, मेरे नज़दीक सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि हम एक और ट्राई की तरफ जाएँ और जैसा कि मैंने पहले बात की लक की तो यह भी तो हो सकता है कि जब हमने पहली दफ़ा में अटैम्प्ट किया था तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ चीज़ें एक मुकर और मखसूस वक्त पर तय की होती हैं तो हो सकता है कि उस वक्त वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी लेकिन अब की अटैम्प्ट के बाद हमारे लिए वो चीज़ बेहतर हो और हमारी किस्मत में भी लिखी हो और हमारी प्रेप्रेशन भी बहुत अच्छी हो और वो चीज़ हमें मिल जाए हम अपने ड्रीम तक पहुंच जाएँ हम अपने ड्रीम को अचीव कर लें अपने गोल को अचीव कर लें इन इंशाल्लाह इस दफा ऐसा ही होगा सो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि किप्स के पास क्या सोल्यूशन है अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है अगर आपने अपने अंदर ये करेज पैदा कर ली है कि आप एक दफा की ट्राई और जरूर करेंगे तो इस सब में आपको हेल्प आउट करने के लिए किप्स आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया है जो कि है अर्ली प्रेप सो अर्ली प्रेप आपको हेल्प आउट करेगा आपके बेटर प्रिपरेशन के लिए जो कि आप इस दफ़ा ट्राई करेंगे और इन इसके बाद आप अपने प्रॉस्पेरस फ्यूचर तक लाजमी पहुँच जाएंगे सो so, यहाँ पर अब अगर हम अर्ली प्रेप के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी दैट दिस इज़ एन अदर चांस टू शाइन कि आपको आपके पास ये एक मौका है दोबारा से ख़ुद को साबित करने का दोबारा से उभर कर सामने आने का दोबारा से कुछ करके दिखाने का अपने ड्रीम तक पहुंचने का सो so, इस चांस को इस मौके को ज़ाया मत करें चांसेस को हमेशा अवेल करना चाहिए और अगर एक और पॉइंट एक और पहलू से भी हम देखें तो इसकी तैयारी इस दफ़ा अगर हम अभी से स्टार्ट कर दें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा हमारा जो प्रेपरेटरी ड्यूरेशन है प्रेपरेटरी टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी रेदर देन कि हम ये सोचें कि एफ के एग्ज़ाम्स के, के बाद हम तैयारी करेंगे तो उससे कहीं बेहतर है कि हम अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें अपने पास्ट एनालिसिस से सीखकर अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें और अब क्योंकि हमारा ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो इससे हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम भी इंक्रीज़ हो जाएगा एंड यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो इस तरह से हम अपने टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं एक और बहुत अहम पॉइंट है वो है कंटीन्यूस प्रिपरेशन कंटीन्यूस प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस तरह से कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम अगले साल में अटैम्प्ट करेंगे तो अगले साल में अटैम्प्ट का मतलब है कि वो आउट ऑफ द लूप हो जाएंगे उनका गैप इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ें माइंड में से फेड आउट हो जाएंगी सो so ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो गैप ना आने दें हम आउट ऑफ द लूप ना हो और अपना एक कंटीन्यूस प्रिप्रेटरी फेज़ जो है वो जारी रखें क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में बिल्कुल फ़्रेश हैं बहुत सारा कॉन्टेंट हमें ऑलरेडी आता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी क्लियर हैं लेकिन उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए कि जिस वजह से जिस बिना पर हम दफ़ा क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हम अपनी वो प्रेपरेशन को कम्प्लीट करें सो so, हम ये गैप नहीं आने देंगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस रखेंगे और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को हर पहलू से हर एंगल से क्लियर करेंगे सो दैट के जब हम टेस्ट में जाके परफॉर्म करें तो हमारी परफॉर्मेंस 100 परसेंट हो एंड दैट विल लीड यू टू योर प्रॉस्पेरस फ्यूचर इस अर्ली प्रिप एन एम कैट के दो सेशंस हैं पहला एक शॉर्ट सेशन जो कि 70 डेज़ पर मुश्तमिल है और दूसरा एक लॉन्ग सेशन यानी एल एन कैट जो कि नाइन्टी डेज़ पर मुश्तमिल है और अगर हम कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो सिक्स डेज अ वीक आपके पास ये सेशन मौजूद होगा जिसमें आपके लेक्चर्स भी होंगे आपके टेस्ट भी होंगे और आपके फॉलो अप लेक्चर्स यानी डिस्कशंस भी इंक्लूड होंगी इसके अलावा अगर टेस्ट और क्लास की टाइमिंग के हवाले से हम बात करें तो फाइव आवर्स पर डे आपके हर सब्जेक्ट के लिए होंगे यानी आपके एक सब्जेक्ट के लिए वन आवर तो इस तरह से जैसे कि आपके टोटल फाइव सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास वन आर होगा इसी तरह से वन आर आपके टेस्ट के लिए मुख्त होगा और वन आवर आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट डेस्क पर जिस पर आप अपनी इंडिविजुअल क्यूरीज़ को जाकर पूछ सकते हैं इस सेशन में आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट मौजूद होंगे यानी आपके तमाम यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपके तमाम टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास टेस्ट होंगे जो आप अटम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद क्वार्टर एफ आ जाएंगे क्वार्टर एफ के बाद आपके पास हाफ सिलेबस का टेस्ट भी मौजूद होगा देन आता है स्विफ्ट यानी सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्मेट टेस्ट यानी आपके हर चैप्टर का पीएमसी के फॉर्मेट के ऊपर कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा एंड आफ्टर दैट आपके पास एफ एल पीज फुल लेंथ जो टेस्ट हैं वो मौजूद हैं इसमें आपके तमाम सब्जेक्ट्स का यानी स्विफ्ट में आपके एक सब्जेक्ट का कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा और एफ एल पीज़ में आपके तमाम सब्जेक्ट का जैसे कि पी एम सी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है उसी तरह से आपका टेस्ट लिया जाएगा सो हेयर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द किप्स एकेडमिक मॉडल जिसमें सबसे पहला पॉइंट एक्सक्लूसिव करियर गाइडेंस है जैसा कि आज का हमारा ये सेशन भी आपको आपके करियर के हवाले से गाइडेंस देने के लिए है इसी तरह से किप्स में मौजूद हर स्टूडेंट को हर कदम पर उसके करियर के हवाले से गाइड किया जाता है और इसके लिए भी पूरा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है जिसके थ्रू स्टूडेंट को हर वक्त हर पहलू से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हॉलिस्टिक सिलेबस कवरेज एंड कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग हॉलिस्टिक सिलेबस कवरेज की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप सब जानते हैं कि कभी बोर्ड की तरफ से या कभी पी की तरफ से सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तो किप्स में पूरा एक डिपार्टमेंट पूरा एक सिस्टम इस चीज़ के लिए मौजूद होता है जो कि इन तमाम चीज़ों को देखता है और मैनेज करता है और उसके बाद सिलेबस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है सो so दैट के एक लिमिटेड टाइम में बच्चों का सिलेबस कवर किया जा सके और ना सिर्फ सिलेबस के कवरेज हो जाए बल्कि साथ ही साथ स्टूडेंट्स के हर पहलू से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए जाएँ और उनको बिल्ड करवाया जा सके सो दैट वो अपने टेस्ट में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें सो इवन अगर एलेवेंथ आर पर भी हमें चेंजेस करना पड़े तो हमारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को मोल्ड करता है आफ्टर दैट पेडागॉजिकल टेक्निक्स फॉर अटैम्प्टिंग एम सी क्यूज़ पेडागोजिकल टेक्निक्स की बात करें तो उसमें डियर स्टूडेंट्स आप ये जानते होंगे कि किप्स अपने स्टूडेंट्स को एम सॉल्व करने के लिए पूरा एक सिस्टम समझाता है और एम में एक स्टेटमेंट होती है और फोर ऑप्शंस और उसमें एक ऑप्शन ठीक भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते उसके पीछे रीज़न ये है कि एम को अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ नॉलेज या कॉन्सेप्ट ही रिक्वायर्ड नहीं होता बल्कि नॉलेज कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ कुछ ऐसी मखसूस टेक्निक्स भी रिक्वायर्ड होती हैं कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक ट्रिक्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जिनके साथ हम एम को सॉल्व कर सकते हैं और सही अटैम्प्ट कर सकते हैं और किप्स अपने स्टूडेंट्स को वो पूरा सिस्टम एम को सॉल्व करने का उन ट्रिक्स और उन टेक्निक्स के साथ समझाता है सो दैट कि वो इतने स्किलफुल हो जाएं कि वो एम को सही तौर पर अटैम्प्ट कर सकें और इसी वजह से किप्स हमेशा 70 परसेंट पोजिशन स्कोर करता है एट लीस्ट सेवेंटी परसेंट पोजिशन यानी कि अगर हमारे पास किंग एडवर्ड में टेन एडमिशन्स हों तो उनमें से सेवन किप्सियंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट मौजूद है कंटीन्यूस इवेलेशन यानी किप्स में मौजूद स्टूडेंट की कंटीन्यूस इवेलुएशन होती रहती है हर कदम पर जैसे कि अगर हम देखें कि वो ऑन कैंपस टेस्ट को अटैम्प्ट करता है तो उसके बाद भी उसकी प्रॉपर डिस्कशन होती है उसको अपने सही और गलत आंसर्स के बारे में पता लगता है अगर वो ऑनलाइन टेस्ट को अटैम्प्ट करता है तो उसके बाद भी उसको प्रॉपर डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है सो so, इस तरह से एक स्टूडेंट ख़ुद को कंटीन्यूसली इवेलुएट करता रहता है और आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ख़ुद को कंटीन्यूसली इवेलुएट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी और हेल्पफुल है नेक्स्ट टास्क में बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए रिगरस प्रैक्टिस यानी ना सिर्फ एक स्टूडेंट से उसके टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है बल्कि रिगरस प्रैक्टिस करवाई जाती है मतलब कि इतने नंबर ऑफ़ टेस्ट नंबर ऑफ़ एम एंड नंबर ऑफ़ वेरिएंट एम में से उसको गुजारा जाता है कि उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि उसके बाद एन कैट के टेस्ट में वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है एंड यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यानी स्टूडेंट्स को उनके पूरे सिलेबस की इस तरह से प्रिपरेशन कराई जाती है कि वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में होती है जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट का सिलेबस भी कवर हो जाता है टाइमली कवर होता है और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर और बिल्ड हो जाते हैं देन हमारे पास है देट किप्स अनपैरेलल टीचिंग मैथडॉलॉजी जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी से भी बात करें कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पाकिस्तान में कौन सा इदारा सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो आपको एक ही नाम सुनने को हमेशा मिलता है कि किप्स एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत बेस्ट है सो so, किप्स की टीचिंग मेथडोलॉजी का कोई भी पैरेलल नहीं है यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या आप ऑन कैंपस भी तैयारी कर सकते हैं आप ऑन कैंपस भी लेक्चर्स और टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं साथ ही साथ आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है यानी आप घर बैठे हुए अपने डेस्क पर बैठे हुए भी टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टेस्ट आपके पास मौजूद हैं नंबर ऑफ़ लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं और अगर आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जैसा कि थर्ड पॉइंट है ऑन योर कि यह अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई आपको ऑन कैंपस का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया और आपको ऑनलाइन का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया गया अब इसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों ऑप्शंस को किस तरह से बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करते हैं किस तरह से इन ऑप्शंस का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं सो तो दैट कि इन आप क्वालिफ़ाई कर सकें और मेडिकल कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो और आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकें सो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर यह लाजमी कहना चाहूँगी कि आपको जब ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ ताकि आप अपना ड्रीम अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर सकें वैल्यू एडिशन बाय किप्स कुछ ऐसे फ़ीचर्स जो कि किप्स की तरफ से वैल्यू ऐड करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ एलएमएस है जैसे कि आपके पास ये ऑनलाइन का ऑप्शन मौजूद है आप घर बैठे अपने टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं आप नंबर ऑफ एम सी क्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं वेरियंट ऑफ एम सी क्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं आपके पास वीडियो लेक्चर्स मौजूद होते हैं आपके पास एक प्रॉपर स्पॉट डेस्क मौजूद होता है जिस पर आप किसी भी वक्त अपनी क्यूरीज़ को एड्रेस कर सकते हैं किप्स करियर काउंसलर्स डियर स्टूडेंट्स किप्स में पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि स्टूडेंट की काउंसलिंग के हवाले से मुख्त है स्टूडेंट केयर एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट और किप्स के तमाम कैम्पस में हमारे काउंसलर्स मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनके करियर के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद टॉप यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम्स के हवाले से ऑप्शनस के हवाले से हर तरह के हवाले से उनको कौंसल और गाइड करते हैं सो so, स्टूडेंट्स के पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि हर वक्त उनके पास गाइडेंस के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है स्टूडेंट्स के पास किप्स स्पोर्ट डेस्क का ऑप्शन भी मौजूद है जहाँ पर वो अपनी एकेडमिक से रिलेटेड क्यूरीज़ को पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट uh, से रिलेटेड क्वेश्चन को अपनी तमाम uh, ऐसे सवाल जो उनके जहन में आए वो वहाँ पर जाकर उनसे पूछ सकते हैं उनके आंसर्स ले सकते हैं उसके बाद किप्स टेली केयर डिपार्टमेंट भी मौजूद है जो कि स्टूडेंट्स के तमाम वीडियो लेक्चर्स को देख रहा होता है एल एम एस पे अपलोड कर रहा होता है सो so दैट के स्टूडेंट के पास हर वो लेक्चर मौजूद हो अगर इवन के अगर एक स्टूडेंट से उसका लेक्चर मिस भी हो जाए वो ऑन कैंपस लेक्चर ना ले सके तो एल एम एस पर वीडियो की सूरत में उसके पास वो लेक्चर मौजूद हो और वो उसको अटेंड कर सकें किप्स एंट्री टेस्ट सीरीज़ यानी कीट्स ये किप्स का एक बहुत बड़ा ख़ासा है और मैं कहूँगी बल्कि किप्स का एक बहुत बड़ा असासा है यानी किट्स में तमाम टॉपिक्स तमाम चैप्टर्स तमाम चीज़ों को कंटेंट को इस तरह से कवर किया जाता है कि नंबर वन स्टूडेंट के पास एक बैंक ऑफ एम होता है प्रैक्टिस करने के लिए और अगर एक स्टूडेंट उन एम को प्रैक्टिस कर ले तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगा अपने एंट्री टेस्ट में क्योंकि किड्स में हर तरह का पॉसिबल वेरिएंट एमसीक्यूज़ मौजूद होता है बल्कि अगर सिंपल अल्फाज़ में मैं कहूँ तो आपके पीएमसी के टेस्ट में आपके पास टू हंड्रेड एंड टेन एम आते हैं सो so, अगर देखा जाए तो ये टू हंड्रेड एंड टेन एम किप्स के एम बैंक के सामने टू परसेंट हैं सो so, शायद टू से भी कम सो so, अगर एक स्टूडेंट इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम जो कि कीड्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं उनको प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके लिए अच्छा परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उसके बाद उसके सामने कोई भी एम स्ट्रेंज नहीं रहेगा कीड्स में हर टॉपिक से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं जितने पॉसिबल एम बन सकते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं हेयर कम्स द एलिमेंस एल का लॉगिन और पासवर्ड तमाम एन कैट के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा और एल के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आपके पास तमाम चीज़ों से रिलेटेड लेक्चर्स मौजूद हैं आपके पास तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज़ वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ टॉपिक वाइज कंटेंट भी मौजूद है जिसको आप रीड कर सकते हैं इसके साथ आपके पास ऑनलाइन टीचर सपोर्ट जो कि सुबह नौ बजे से लेकर शाम नौ बजे तक आपके पास अवेलेबल है आप अपनी कोई भी क्यूरी वहाँ पर पूछ सकते हैं और इन केस अगर टीचर उस वक्त अवेलेबल ना हो तो आपके पास एक टिकट जनरेट हो जाएगी जिसके बाद आपको आपका आंसर ई के थ्रू रिसीव हो जाएगा डी स्टूडेंट्स एल में इसके अलावा आपके पास गूगल का ऑप्शन मौजूद है गूगल इज़ जस्ट लाइक गूगल तो आपका जितना भी कंटेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद है आप जस्ट वहाँ पर जाकर सर्च करेंगे और आपका तमाम रिलेटेड कंटेंट आपके सामने आ जाएगा सो so, इसी तरह से आपके पास इंडिविजुअलाइज डिस्कशन फॉरम है और प्रोग्रेस एनालिटिक्स और स्टैट है यानी आप जितने भी टेस्ट एल एम एस पर अटैम्प्ट कर रहे हैं उनमें जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके जितने क्वेश्चन सही हैं जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं सो तमाम एक पूरी जो स्टैट बन रही होगी उसके थ्रू आप ख़ुद को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन कितने परसेंट कंप्लीट हो गई कितने परसेंट रह गई सो ये तमाम चीज़ें भी एल एम एस आपको कैलकुलेट करके बता रहा होगा इसके बाद हमारे पास लीडर बोर्ड का ऑप्शन मौजूद है लीडर बोर्ड बहुत हेल्पफुल है जैसा कि आप अक्सर गेम्स भी खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो एक अच्छा प्लेयर होता है वो टॉप पर शो हो रहा होता है इसी तरह से लीडर बोर्ड आपको फ़र्स्ट ट्वेंटी पोजीशंस दिखाएगा फ़र्स्ट ट्वेंटी टॉप पोजीशंस, यानी जितने भी स्टूडेंट्स किप्स के एलिमस पर टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उनमें आप किस नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं सो ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप ट्वेंटियत नंबर से फ़र्स्ट पोजीशन पर वहाँ पर आ सकें इसी तरह आपके पास काउंसलिंग सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा डिपार्टमेंट जो कि काउंसलिंग के हवाले से मुख्त है तो वो डिपार्टमेंट आपके लिए हर वक्त मौजूद है आप एल के थ्रू उनसे राबा कर सकते हैं और उनसे अपने करियर के हवाले से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आपके पास नोटिफिकेशंस का ऑप्शन भी मौजूद है जैसा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट टाइम पे कुछ नोटिफिकेशन जारी करती रहती हैं अपने एडमिशन के हवाले से अपने मेरिट के हवाले से तो आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन वो तमाम नोटिफिकेशंस यहाँ पर मौसू हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स अगर अब हम देखें कि ये सेशन आपको कब दिया जा रहा है सो हेयर इज़ द लकीस्ट डेट जो कि है सेवन ऑफ दिसंबर ट्वेंटी यहाँ पर मैं एक चीज़ लाजमी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो अभी तक सोच भी नहीं रहे इस बारे में कि हम इस तरह से तैयारी करना शुरू करें या इस तरह से तैयारी करवाना शुरू करें तो ऐसे मौके पर ऐसे टाइम में किप्स आपको यह सेशन प्रोवाइड कर रहा है सो तो इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही वक्त पर सही सेशन ज्वाइन करना या सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना कितना इम्पॉटेंट हो सकता है हमारे करियर के हवाले से यानी अगर पहले हमने क्वालिफ़ाई नहीं किया तो क्यों ना हम इस दफ़ा ज़्यादा वाइजली डिसाइड करें ज़्यादा इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेकर चलें तो किप्स अपने किप्स uh, का ये खासा है कि उसने सही वक्त पर सही सेशन अनाउंस किया है एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आप सब इसको लाजमी ज्वाइन करेंगे और इन इस दफ़ा के ट्राई के बाद यू विल लीड टू योर प्रॉस्पेरस फ्यूचर इनशा हेर इज़ दू एन नंबर एंड आर ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर जाकर आप मजीद इंफॉमेसन के लिए आ, सर्च कर सकते हैं अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट किप्स डॉट ई डी यू डॉट पी के पर जाके सर्च कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड एट द एंड अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने करियर में आप सब अपने फ्यूचर में लाजमी कामयाब हों आप अपने ड्रीम को हासिल कर सकें लेकिन यहाँ पर मैं एक बात दोबारा ज़रूर दोहराना चाहूँगी कि आप सब एक दफ़ा ट्राई लाजमी करें यानी अपने ड्रीम पर गिवअप मत करें अपने अंदर के उस पार को बुझने मत दें अगर आपने एक दफ़ा सोचा था यानी लास्ट टाइम जब आपने एन कैट को अटैम्प्ट किया तो जाहिर सी बात है आपने ये सोचकर किया था कि आप डॉक्टर बनेंगे तो जब आपने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में ये सोचा था तो आप अब अपने ड्रीम को गिवअप मत करें अदर ऑप्शंस के बारे में मत सोचें बल्कि अपने उसी ड्रीम को अचीव करने के लिए एक दफ़ा मज़ीद कोशिश लाजमी करें और जैसा कि इस दफ़ा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो भी चुकी हैं तो उससे भी हम ख़ुद को इवेलुएट कर सकते हैं और वो हमें हेल्प कर सकता है डिसीजन लेने में क्योंकि वाइजली डिसीजन लेना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है इन आप सब बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे और अपने करियर को प्रॉस्पेरस बनाएंगे और अपने ड्रीम को लाजमी अचीव करेंगे थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू my name is aisha Aman, i'm the national mdcat topper 2021 i've secured 202 marks out of 210 i've joined kips gujjamala campus for my anti-test preparation एस एस सी एग्जाम्स डिले होने की वजह से हमें एम डी केड की प्रेपरेशन के लिए बहुत शॉर्ट टाइम मिला था और कोविड की वजह से अनसर्टेंटी भी थी जिसकी वजह से कैंपस ऑन कैंपस और ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट होती रहती थी लेकिन किप्स ने जो एस ओ एस डिज़ाइन किया था वो बहुत अच्छा था इसकी वजह से हमें फोकस डेवलप करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई किप्स में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था क्योंकि किप्स का प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है पिछले कई सालों से पोजीशन होल्डर्स हैं वो किप्स के स्टूडेंट्स हैं और इसकी रिव्यू भी बहुत अच्छी थी इसलिए मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था कि किप्स मुझे अच्छी पोजीशन सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगा शनल एम डी कैट में एक नया सब्जेक्ट भी ऐड किया गया था लॉजिकल रीजनिंग जो पास्ट हिस्ट्री में अभी तक किसी भी एम डी कैट में नहीं था लेकिन टिप्स ने हमें उसके नए लेक्चर्स प्रोवाइड किए नोट्स प्रोवाइड किए टेस्ट डिस्कशंस और प्रैक्टिस बुक्स प्रोवाइड किए जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई एफ एस सी और एट्री टेस्ट में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एफ एस सी में हर चीज़ आपको कम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करनी पड़ती है लेकिन एट्री टेस्ट में पी आ जाती है एफ एस सी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन राइटिंग वर्डिंग हर चीज़ पर फोकस करना पड़ता है लेकिन एंट्री टेस्ट में आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरफिकेशन ज़रूरी होती है एफ एस सी किसी तरह नहीं होता है एंट्री टेस्ट में एंट्री टेस्ट में मे बी आपको चारों के चार ऑप्शन करेक्ट आए लेकिन आपने चूजा करेक्ट नहीं चूज़ करना होता आपने अप्रोप्रेट मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर बेस्ट जो आपको और उसी वक्त हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं मेरी सिस्टर यहीं से पढ़ी गई थी लास्ट ईयर और उनकी भी पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था कि टिप्स पे मुझे पक्का यकीन था कि मेरा यहाँ से बहुत अच्छी प्रेपरेशन होगी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा टी टेस्ट एक प्रेशर गेम है स्ट्रेस को हैंडल करने में किप्स के मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत रोल है हमारे लेक्चर्स होते थे एस के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद उनके टेस्ट होते थे फॉलोअप्स होते थे फिर डिस्कशन होती थी आपके जो वीक पॉइंट्स जो क्यूज होती थी वो टीचर्स आपके डिस्कशंस में क्लियर करवा देते थे उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं फुल लेंथ पेपर्स होते हैं बार बार टेस्ट देकर आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है और फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब फाइनल डे में आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है और आप खुद को बहुत रिलैक्स फील करते हैं नो no डाउट जो मेन सोर्स होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक्स ही होती हैं लेकिन किप्स ने जो हमें सप्लीमेंट्री नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें डिफरेंट बोर्ड्स का सिलेबस पी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑर्ग्नाइज था जिससे हमें प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने जूनियर स्टूडेंट्स को जरूर रिकमेंड करूंगी कि वो किप्स ज्वाइन करें फा एंट्रेस्ट प्रेप्रेशन क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कम्पटिटिव है स्टूडेंट्स के लिए और सिस्टम बहुत ऑर्गेइज है और मैनेजमेंट बहुत अच्छी है जिससे आपकी एंट्रेस की प्रेप्रेशन बहुत अच्छी होती है एफ एस के एग्जाम डिले होने वजह से टाइम प्रिपरेशन में बहुत शॉर्ट मिला था लेकिन उन्होंने एस बहुत अच्छा डिजाइन किया था एस ओवरऑल एस एस कोई डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ी I strongly agree अग्री कि किप्स हमें हमारी सीट सिक्योर करने में हेल्प करता है क्योंकि अगर पास एक्सपीरियंस देखा जाए तो पिछले कई सालों से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वो किप्स के ही स्टूडेंट्स होते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में बहुत डेवलपमेंट आई है पिछले सालों में लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है क्योंकि जैसी सिचुएशन आजकल चल रही है ऑनलाइन और आईटी के फील्ड्स को बहुत प्रमोट करना चाहिए mm -hmm. मेरे लिए लाइफ विगे विन यही होगा कि मैं मेडिकल के फील्ड में इतना आगे पहुँचूँ इस मुकाम तक पहुँचूँ कि मैं दूसरों के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंपिरेशन बन सकूँ और किसी एक काम आ सकूँ उनके लिए स्कूल का बाइस बनू नो डाउट फिजिकल क्लासेस में स्टूडेंट्स अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं लेकिन जो कोविड 19 की वजह से सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है हमें ऑनलाइन एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना हो किप्स के ऑनलाइन सिस्टम के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है किप्स स्टूडेंट पोर्टल पर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे और उसके बाद वहीं पर डिस्कशंस करवाते थे अगर कोई वीक पॉइंट रह जाता था तो वो भी टीचर्स वहां पर क्लैरिफाई कर देते थे एलमएस पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं टेस्ट, टेस्ट होते हैं उनकी डिस्कशंस अवेलेबल होती हैं उनमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं अगर फिर भी आपका कोई क्यूरी रह गई है तो आप स्पोर्ट्स डेस्क पर लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अलावा लीडर बोर्ड होता है जिन पर आप अपनी ओवरऑल पोजिशन चेक कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स में कहाँ स्टैंड करते हैं और इस साल तो नेशनल एंडिकेट ऑनलाइन हुआ इस से किप्स एल पर ऑनलाइन टेस्ट की प्रपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है Kips entry test